हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नया दिन नया व्लॉग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले करेंगे नाश्ता, ज़रा चाय वगैरह ज़रा पी ले और फिर जाएंगे हम सीधे छत पे। अभी देखते हैं राहुल भाई क्या कर रहे हैं, कबूतर खोले नहीं खोले अभी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप। तो भाई सब अपनी चाय भी तैयार हो गई पूरी, भाई नाश्ता लेके आ रहे जाके। तो नाश्ते में हमने ले ली नमकीन अपनी, तो चलिए फिर इसे फिनिश करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम चाय पी के आ गए सीधे छत पे। ये आपको पहले सनसेट दिखाते हैं, क्या तगड़ा आ रहा है सनसेट आप लोग, क्या प्यारा सा आ रहा सनसेट। कबूतर तो खुले हुए हैं अभी, देख सकते हैं आप लोग। कबूतर मेरे पास है, पता कितने हैं यही बता रहे हैं, 12 कबूतर हैं। देखते हैं बच्चे हैं या अंडे हैं क्या, अभी अंदर देख रहे दाबिल जाके अभी दिखा रहे हैं आपको भी। सत्य आप लोग हमारी धाबलिया, अभी अभी बच्चे तो नहीं है ना फिलहाल, अंडे हैं अभी, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, अभी सिर्फ कबूतर हैं 12 हमारे पास। अभी और भी बढ़ाना, कम से कम हमें करना है 50 कबूतर या 100 पूरे। पहले हमारे पास थे कम से कम 30 कबूतर थे हमारे पास पहले, तो मतलब चलेगा सब। मैंने बेच भी दिए, थोड़े उड़ गए भाग गए कोई, तो अभी हम फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं ना कबूतरों को, ज़रा बढ़ा लेंगे ज़रा, कम से कम 50 तो कर ले अच्छे, जब भी लगेंगे अगर हुड़की दो तो कम से कम आसमान गिर जाए पूरा। चल झूठा भाई, देखो कबूतर पकड़ रहा है अंदर से, तो अभी इसके हम अभी से ऊपर फेंकेंगे आसमान में, फायर करेंगे अभी हम इसे। लाओ मैं राजभाई पकड़ा हूँ, हमें पकड़ाओ मारो तेज से, देख सकते आप लोग हमने पकड़े, अब फेंकेंगे इसे ऊपर हम। रेडी उड़ाओ, आओ आओ आओ। कबूतर जी अभी नहीं उड़ा, पता नहीं क्यों नहीं उड़ लिया भाई साहब। भाई का फोन आया था, कह रहे घर पे हो, कहाँ हमने घर पे ही हैं, तो कह रहे अभी हम नहा के आ रहे हैं। चलो फिर फैज भाई को आने, तो फिर बताते हैं आपके KTM का फटका, फिर तेल भी डलवा के लाना अभी हमें। तो चलिए मिलते हैं, बाकी सीधे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए फिर नहा धो के मिलते हैं। तो गाइस नहा धो के सेट हो गए पूरे, देख सकते हैं आप लोग पूरे नहा धो के तैयार एकदम। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि KTM में जो बैटरी पड़ी थी वो कितने की पड़ी थी, और जो KTM में बैटरी पड़ी थी इस मारे पता क्यों पड़ी थी वो क्योंकि डाउन हो गई थी इस मारे पड़ी थी दिया है भाई साहब जी, बिल्कुल पड़ी थी डाउन हो तभी तो डाउन हुई तभी तो बैटरी पड़ी, बिना डाउन क्यों पड़वाई कर। तो इसमें लिख के आ रही था लो बैटरी है, तो हमने तो लो है फिर दूसरी पड़वाई जाए, फिर इसमें लो भैया हम गए थे स्टार्ट भी नहीं हो रही गाड़ी, जब स्टार्ट ही नहीं हो रही तो हॉर्न खूब बज गया था भाई साहब। तो हमने ये देखी ये बैटरी निकली थी मेरी इसमें से, ये क्योंकि जो KTM में बैटरी पड़ी थी जो मतलब स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रही थी, हमने एक बार स्टार्ट कर ली थी क्यों धक्का मार के, एक बार हमने स्टार्ट कर ली थी अपने बग्गर में ही, फिर जब हमने दोबारा स्टार्ट करी तो दूसरे दिन मतलब दो दिन गाड़ी खड़ी रही, जब हमने धक्का लगाया फिर हमने दो दिन लाउंडर में धक्का लगवाया बाहर से रोड पे, तो जब भी स्टार्ट नहीं गाड़ी, फिर हमने सोचा हो सकता है बैटरी भाई चली गई हो, लेकिन हॉर्न तो बज रहा था खूब, होता है हॉर्न का लोड कम होता है सेल्फ का ज़्यादा होता है रोड, तो फिर हमने सोचा बैटरी डलवा ली फिर इसमें। तो देखिए KTM की चाबी है, इसकी दिखाते बैटरी कहाँ पर आती है, दिखाओ रहा यहाँ पर बैटरी आती है इसकी, यहाँ पर आती है आगे, अभी इसको खोल के दिखाते हैं हम आपको। देखो भाई यहाँ पर एक मिलेगा लॉक ये गद्दी के नीचे, खुल गई तो गद्दी खुल गई यहाँ पर से। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाएं आपको हम, यहाँ पता कैसे खुलती है, ये रिंग बनाएगा, रिंग को खोलेंगे ऐसे, ये खींचा और इधर खुल गया भाई साहब। तो ये देखिए यहाँ पर इसका पार्ट खुल जाता है वैसे, और ये बैटरी पड़ी इसके अंदर MRON की। अरे हम ढूंढ रहे बहुत माँ मुश्किल से, हमने कहाँ खुलती भाई बैटरी इसके नीचे देखी हमने। तो अभी इसमें एक चीज़ और पड़ना बाकी है जो कि इसका टायर है, तो एजेंसी पर दिखाया बहुत टायर वहाँ चट रहा है हल्के हल्के, हमने चट रही है फिर पड़वा लेंगे इसे भी, सही तो है फिलहाल उन्होंने क्या चट रही है, हमने चलो फिर पड़वा लेंगे इसे भी, इसका ही फटका झेलना है अभी। अरे कहना क्या चाहते हो, बैटरी खोल के हमने पड़वाई इसमें MRON की बैटरी पड़ी है मात्र 2000 रुपए की। भाई निकल चुके हैं तेल डलवाने, गुस्से में साहिल भाई आते हुए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, ऐसी गद्दी तोड़ना है पूरा भूख। तो
गाइस आपको मिलते हैं हम सीधे हाईवे पर। तो गाइस हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और साहिल भाई यहाँ पे राइड कर रहे हैं। इसके अंदर यार पूरी तरह से यार बीच में बैठे बैठे तेल भाई। तो हम पेट्रोल पंप पे भाई आ चुके हैं और जरा दिखाओ जरा तेल दिखाओ कितना है इसमें। तो इसमें दो सेल बचे हैं इसमें। आप टेम्पटा बिगड़ गया पूरा। तो गाइस अभी जैसे पेट्रोल पंप में तेल डला के निकले तो तुरंत घर से फोन आया कि प्याज लेते आना। हमने जो यहाँ आवे पर प्याज काम में लगी तो हमने फिर गाड़ी आई उस पर डाल दी मार्केट में। चलो फिर प्याज तो लेना ही है। चलो भाई फाइव प्याज ले लिया हमने एक किलो। तो गाइस घर से आया था फोन कि प्याज लेते आना, प्याज के बगैर मत आना वरना घर में नहीं घुसने देंगे। गजब बेइज्जती है। चलो हमने चलो फिर बाजार में प्याज ही ले लिया चल के। फाइव भाई गाड़ी चलाएंगे घर पे। तो गाइस तेल भी डलवा के आ गए और प्याज भी लेके आ गए घर पे मंगा के प्याज एक किलो। तो हमारे प्याज जो हालत बिगड़ गई इनकी गाड़ी चला के ये नहीं चला पीछे बैठे बैठे दर्द करने लगे पेटे। तो गाड़ी भी हमने बाहर पार्क कर दी है। तो दो फैज भाई चले गए मिले घर पे भाई का फोन आ गया तुरंत। ये देखो सब लोग ठीक हो गाइस बैठे भाई सऊदी में देखो आराम से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो ये मिलेंगे आपको बहुत दिनों बाद देखने को यहाँ। तो काफी दिन बाद देख मिलता रहेगा। नहीं व्लॉग आपको मिलते रहेंगे यहाँ के भाई साहब। सऊदी भी मिलेंगे बता रहे अरे सऊदी भी मिलेंगे लोग ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत मिलेंगे मतलब कभी कदा डाल दिया महीने या दो महीने दो तीन ब्लॉग। ड्यूटी पे वो भी ड्यूटी पे हवा में बैठे हवा में या एसी की हवा में एसी हवा चली रही है जगह चल रही है कुर्सी पे। अच्छा तो अच्छा भाई आ गया था फोन भाई साहब कह रहा क्या कर रहा हमने ब्लॉग बना रहा भाई अभी कह रहा अच्छा कह रहा दिखा दो हमें भी हमने चला दिखा दी भाई तुम्हें भी उसमें कह रहे यार दिखा दे यार हमने चला दिखा दे रहा तुम्हें भी। चलो फिर ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए बाय बाय।